अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल। और किस तरह से बनाना है, बनाने का तरीका क्या है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने 300 ग्राम बोनलेस लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। और उसमें हम क्या क्या डालेंगे हम बताते हैं आपको। हमने 2 शिमला मिर्च ली है, 1 गाजर लिया है उसको भी कट कर लिया है, और 3 बड़े साइज का प्याज यानी कांदा लिया है उसको भी कट कर लिया है, 4 टमाटर लिए हैं उसको भी कट कर लिया है। और इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे हम आपको बताते हैं। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर। ये हमारा होममेड मसाला है। इसमें हमने सौंफ, जीरा, अखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च और सूखी लाल मिर्ची रोस्ट करके हमने इसको पीस लिया है दरदरा। इसको भी इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें हम डालेंगे हनी और डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच शेजवान चटनी और 1 चम्मच केचप। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने पतीली रख दी है, गैस चालू कर दिया है, पतीली हमारी गर्म हो रही है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल पतीली गर्म होने के बाद। और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, पतीली हमारी गरम हो गई है, हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच तेल। तेल हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से डाल कर लेंगे। अगर लहसुन का पेस्ट लाल हो रहा है हमारा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कांदा और शिमला मिर्च, गाजर, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कांदा हमने 3 बड़े साइज का कांदा लिया है, 2 अल्टा पलटी करते जाएंगे ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर कांदे के अंदर अच्छे से आ जाए। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। कांदे को आधा कच्चा आधा पक्का रखेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डालकर इसको अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बच्चे गाजर खाते नहीं हैं, सब्जियों में या चिकन में डाल देंगे तो बच्चे लोग खा लेते हैं आसानी से। तो आप जब भी बनाएं तो गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, हमने 300 ग्राम बोनलेस लिया है, आप जितना बनाना चाहते हो अपने हिसाब से ले लो। तो चलाते जाएंगे अल्टा पल्टी करके। चिकन में जो पानी निकलता है उससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएंगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले, ये हमारा होममेड मसाला है, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, इसको चला देंगे हल्का पलटी करके ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन और सब्जियों के अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी और सॉस, हमने दोनों को एक ही में निकाल लिया है। इसको चला देंगे अच्छे से। चलिए इसमें थोड़ा सा डालते हैं डार्क सॉस, ब्लैक सॉस यानी डार्क सोया सॉस एक चम्मच के करीब, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये सब्जियों का पानी जो निकलेगा उसी से हमारा चिकन बिल्कुल गल जाएगा, चिकन बोनलेस।
इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मीडियम आंच पर ढक्कन लगा दिया हमने, आंच को मीडियम कर दिया है। फिर हम मिलते हैं आपसे बोनलेस चिकन और वेजिटेबल हमारा बनके तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए हमने मीडियम आंच पे पका लिया है। चिकन भी अच्छे से गल गए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और हरा धनिया सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप जब भी बनाएं तो हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए इसको गैस को बंद कर देते हैं, इसको सर्व करते हैं प्लेट में। चिकन बोनलेस वेजिटेबल हमारा बन के रेडी हो गया है। हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए इसको हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। हमने आधा नींबू रख दिया है इसके ऊपर, उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। नींबू डाल के खाएंगे तो हमने हरा धनिया से गार्निश कर दिया है, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। और हरा धनिया सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप जब भी बनाएं तो हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का साथ मिला तो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और इसी तरह आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे तक जाऊंगी और कामयाबी लेकर रहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे और मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इसी तरह आप लोगों का साथ रहेगा इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर आगे तक जाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर मैं आपके सामने आते रहूँगी। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।